वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। यहां भी मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इसी को देखते हुए रायपुर के जुनेजा स्टेडियम को कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील किया जा रहा है। अगर भविष्य में मरीजों की संख्या और ज्यादा बढ़ती है तो इनका इलाज अस्पतालों की बजाय इन रिलीफ सेंटर में किया जाएगा। आपको बता दें कि अस्पतालों में केवल गंभीर और अति गंभीर मरीजों को दाखिल किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को क्वारंटाइन सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाने का आदेश जारी कर दिया। इसी के साथ ही हॉकी स्टेडियम, नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में भी कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। सभी जगहों को मिलाकर लगभग 470 बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। इंडोर स्टेडियम को कोविड अस्पताल बनाने का जो काम है वो पूरा हो गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। यहाँ पर जगह जगह गत्ते बनाए गए हैं और उस गत्ते में जो बिस्तर हैं वो लगाए गए हैं। एक गत्ते में आपको बताना चाहेंगे कि एक गत्ते में 10 बिस्तरों की जो व्यवस्था है वो की गई है। साथ ही यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं जैसे कि लाइट है, पंखे हैं, मरीज जो है उनको किसी तरह की कोई तकलीफ जो है वो ना हो। और आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रही है जिसे देखते हुए प्रशासन की भी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये तैयार किया गया था कि राजधानी के इंडोर स्टेडियम को जो है कोविड 19 अस्पताल बनाने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये राजधानी का वही इंडोर स्टेडियम है जिसे अब कोविड अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया है। और कैमरामैन रेखराम तिवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस।